नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके करियर में आपको सफलता मिले? क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपने करियर में आगे बढ़ते जाएं, आपका प्रमोशन हो, आपकी प्रगति हो? तो चलिए जानते हैं एक ऐसा उपाय जिसको करने से करियर में सफलता मिलती है। ये उपाय आपको रविवार वाले दिन करना है। क्या करना है आपको? रविवार वाले दिन बहते जल में गुड़ और चावल मिलाकर आपको बहाना है, ठीक है? आपको बहा देना है, मतलब प्रवाहित कर देना है। आपको गुड़ लेना है और चावल कौन से लेने हैं? चावल खंडित चावल नहीं होने चाहिए, अखंडित चावल होने चाहिए, यानी टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। और अपनी मन्नत बोलते हुए कि मेरे करियर में मुझे सफलता मिले, मेरा प्रमोशन हो, मेरे करियर में मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, ये बोलते हुए आपको चावल और गुड़ पानी में बहा देना है। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव की कृपा मिलती है, साथ ही नौकरी और व्यवसाय में तरक्की शुरू हो जाती है। ऐसा आपको कब तक करना है? कम से कम आपको लगातार 11 रविवार तक करना है। अगर आपको बीच में सफलता मिल जाती है तो भी आपको कंटिन्यू ये चीज़ रखनी है। आपको 11 रविवार तक लगातार इस उपाय को करना है। शाम को अपने घर के बाहरी दरवाजे के दोनों ओर देसी घी का दीप जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ये भी आपको उपाय रविवार वाले दिन करना है। दोनों तरफ अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ठीक है, रोज़ हर कोई नहीं कर सकता, तो कम से कम रविवार वाले दिन आपको दोनों तरफ अपना जो मेन गेट है उसके दोनों तरफ आपको घी के दिए जलाने हैं, और साथ ही माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी, माँ मेरी ज़िंदगी में आए और हमेशा के लिए आए, कभी जाए नहीं। एक लाल कपड़े में गेहूँ और गुड़ रखकर बांध लें और फिर इस पोटली को किसी को दान कर दें। ये भी उपाय आपको रविवार वाले दिन करना है। ये जो मैं उपाय बता रही हूँ सारे रविवार वाले दिन के लिए ही बता रही हूँ। गेहूं और गुड़ की जो पोटली बनाएंगे कैसे लोगों को दान करेंगे? जो ज़रूरतमंद हैं ऐसे लोगों को आपको दान करना है, जिनको वाकई में ज़रूरत है। उसमें थोड़े से आप तांबे के अगर सिक्के डालना चाहें तो तांबे के सिक्के भी रख देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा सूर्य मजबूत होता है। जब सूर्य मजबूत होता है तो हमें तरक्की दिलाता है, हमें नौकरी में आगे बढ़ाता है, हमें व्यवसाय में आगे बढ़ाता है। तो ये जो छोटे छोटे से मैंने आपको उपाय बताए, इसको करके आप अपने सूर्यदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और नौकरी में सफलता पा सकते हैं, अपने व्यवसाय में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।